हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं राजहंस पक्षी के बारे में, अर्थात आज का हमारा विषय है फ्लेमिंगो पीड। राजहंस पक्षी के बारे में लोगों को अभी भी बहुत तरह की जानकारियाँ नहीं पता है और कुछ लोग तो अभी इसका नाम भी नहीं सुना है। मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा क्योंकि गूगल पर हर प्रतिदिन इस तरह के सर्च होते रहते हैं। दोस्तों, फ्लेमिंगो एक तरह का पंछी है जिसे हिंदी में राजहंस पक्षी के नाम से जाना जाता है। ये पक्षी जो उत्तरी झीलों, खारे पानी के झील, दलदल एवं रेतीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया भर में हंस की प्रजातियां 6 पाई जाती है। बड़े राजहंस अर्थात ग्रेटर फ्लेमिंगो सबसे बड़ी प्रजाति होती है। इसकी ऊंचाई 5 फीट तक, उसका वजन 3 किलोग्राम तक होता है। यही प्रजाति सबसे बड़ी होती है। राजहंस की प्रजाति अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप, भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पश्चिमी एशिया में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि पूरे विश्व में छोटे राजहंसों की प्रजाति सबसे अधिक पाई जाती है जो हमारे भारत देश में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में ये प्रजातियां पाई जाती है। इनकी ऊंचाई 3 फीट तक होती है। इसका वजन 2.5 किलोग्राम तक होता है। हम आपको बता दें कि ये राजहंस अपनी जिंदगी यदि समय जीते हैं अर्थात जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं तब इनका जीवन 20 से 30 साल के बीच में समाप्त हो जाता है। अगर आप चिड़ियाघर वाले राजहंसों को देखेंगे तो उसकी जिंदगी कम से कम 50 साल तक जीवित रह सकते हैं। फ्लेमिंगो ब्रीड राजहंस के पैर उनके शरीर से काफी अधिक लंबे हो सकते हैं। कई बार इन राजहंसों को एक पैर पर खड़े हुए देखा गया है, लेकिन इस बात का अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि ये एक पैर पर खड़े क्यों रहते हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि उनकी शरीर गर्मी का निरीक्षण करने के लिए इस तरह के कार्य करते हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में संपूर्ण जानकारी और शुद्ध निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। राजहंस हमें हमेशा झुंड में ही दिखाई देते हैं। कई बार तो ये 1000 के समूह में रहते हैं। ऐसा करने से इनको शिकारियों से बचने में मदद मिलती है और अधिक भोजन प्राप्त होता है। ये पक्षी बहामास देश का राष्ट्रीय पक्षी है। राजहंस के पंखों के नीचे के पंख काले रंग के होते हैं। हमें उनके पंख को देखने के लिए उस समय का इंतजार करना पड़ता है जब ये पक्षी उड़ रहे हों, अर्थात हम इन पक्षियों को उस काले रंग को सिर्फ उड़ते समय ही देख सकते हैं। राजहंस प्रजाति को पालने के लिए कई लोगों को बहुत ही फायदेमंद होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो मछली पालन का व्यापार करते हैं। मछली पालन में तालाब को यदि राजहंस रहते हैं तो उनसे मछलियों एवं तालाबों में सुरक्षित रखते हैं क्योंकि तालाब में सांप एवं अन्य कीड़े मकोड़े को राजहंस खा जाते हैं। राजहंस लोगों को बहुत ही पसंद आता है और कई लोग उनको सिर्फ अपने शौक के लिए पालते हैं। इनका मांस बाजारों एवं अन्य किसी स्थानों पर नहीं पाया जाता क्योंकि लोग इनके मांस का उपयोग नहीं करते। दोस्तों, बता दें कि राजहंस के अंडे मुर्गी एवं बत्तख से बहुत बड़ा होता है। ये कई बीमारियों में काम आता है जो लोगों द्वारा इसका सेवन किया जाता है। हमारे भारत देश में गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पर फ्लेमिंगो बर्ड बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, अर्थात इनकी अच्छी आबादी गुजरात में मौजूद है। इस पक्षी के पैर गुलाबी रंग के होते हैं और इनकी गर्दन लंबी होती है। राजहंस एक ही रंग नहीं बल्कि कई रंगों में पाया जाता है। सफेद रंग का राजहंस लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया जाता है। ये प्रेम और शांति का प्रतीक है। राजहंस प्राकृतिक तौर पर 20 से 30 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन कई बार इनको 40 वर्ष की आयु तक जीवित देखा गया है। और आपको हम एक बात बता दें कि राजहंस बहुत अच्छा नृत्य करते हैं और एक साथ परेड करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजहंस दिवस जो 26 अप्रैल को मनाया जाता है और राष्ट्रीय राजहंस दिवस जो 23 जून को मनाया जाता है। गुलाबी रंग का राजहंस लोगों को बहुत पसंद आता है। ये कई रंगों में पाया जाता है, इसलिए लोग अपने पसंद अनुसार इसको पालते हैं। दोस्तों, अभी हमने आपको इस वीडियो में फ्लेमिंगो ब्रीड के बारे में बताया। अगर आपको ये विषय पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। दोस्तों, ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय भारत, वंदे मातरम।